रात के लिए जो है ना, हम बना रहे हैं सैंडविचेस हर वक्त, रोटी सालन रोटी सालन। तो बासु का दिल जो है ना, वो रमज़ानों में अजीब सा हो जाता है। ये उसके लिए जो है जनाब स्लाइस है, ये मैंने सैलड बनाई है, और ये चिकन जो है बॉईल करके श्रेड करके इसमें श्या मिर्च नमक डाल दिया है, और ये कैबेज के अंदर वो क्रीम है, मायो है, और काली मिर्च है, पिंच ऑफ सॉल्ट है, और उसके अलावा जनाब और क्या, और बस चीनी है। ये इधर अंडे जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं, ये खीरा है, ये कैचअप है। तो अब जो है हम असेंबल करेंगे। अच्छा जनाब, इस पे हम रखेंगे कैचअप, इसको करें इधर। अच्छा, मैं ब्रेड के जो है ना, मैं किनारे नहीं काटती हूँगी, ज़ाया ही जाते हैंगे, क्या करना है, पेट में ही जाना आएगा खामा खा के लिए। आप उसके किनारे काटें, और वो फिर आप क्रम्स भी बनाएंगे तो कितने बनाएंगे, तो खैर मैं नहीं काटती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप काट लें। इसके ऊपर हम रखेंगे चिकन, और चिकन रखने के बाद हम इस पे रखेंगे जनाब खीरा, ये गया खीरा, और इसके बाद हम रखेंगे फिर सैलेड। ये कर देंगे इसके ऊपर ताकि चिकन जो है वो इसके साथ चिपक जाए, ठीक है। इसके बाद हम रखेंगे अंडा, ठीक है जी, अंडा रख दिया। अब इसके बाद हम रखेंगे स्लाइस, अच्छा आपकी मर्ज़ी है, आप इस पे टमाटर लगाना चाहें टमाटर लगा लें, और मैंने नहीं लगाया अभी, मुझको इनको थोड़ा सेकना भी होगा, तो ये चिकन, ये सॉरी ये जो चीज़ है ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ये के सैंडविच जो है रेडी हो गया, और इसी तरह मैं और भी सैंडविच बना लूँगी। तो ये हो गया है सैंडविच तैयार, और उसको मैंने हल्का हल्का सा ना तवे पे सेक लिया था, साथ इसके केचप है, ये सैलेड है, और इसको खाएं एंजॉय करें। तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है जी। मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद, जब तक मैं खाना शुरू करती हूँ। जी जनाब, आज मैं कर रही हूँ फर्स्ट टाइम एयर फ्रायर में प्याज, और मैंने कभी की नहीं है, तो मैं आज मैं ट्राई कर रही हूँ। और ये जो प्याज़ ज़रा गीली है, तो मैं इसको टिश्यू से जो है साफ़ कर रही हूँ, ताकि इसका पानी जो है वो टिश्यू में आ जाए। तो चलो ये ट्राई करेंगे इसको, ठीक है, क्या सूरत हाल होती है, या तो बन गई या फिर जल गई। अच्छा ये हो गई, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसको मैं करूंगी मिक्स, मैं इसमें ये डाल रही हूँ प्याज, प्याज ज़्यादा है तो मैं थोड़ी डालूंगी, और फिर देखते हैं कमाल एयर फ्रायर का। अच्छा इसका टेम्परेचर मैंने रखा है तकरीबन 160 पे, और टाइम हमने सेट किया है 10 मिनट का, और बीच में इसको मैं एक दफ़ा खोल के चेक करूँगी। में प्याज की सूरत हाल ये है,
जी कमाल हो गया, बड़ी ज़बरदस्त प्याज हुई है, देखें कैसी क्रिस्पी क्रिस्पी हुई है। अब मैं इसमें जो और प्याज रह गई है ये वाली, अब मैं इसमें ये दोबारा डाल रही हूँ। भी हो गई थी मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, करेले भी ना इसमें एयर फ्राई में करे हल्का सा ऑयल लगा के। अब ये जो पड़े हुए हैं ना इनमें भी मैं हल्का सा ऑयल डाल रही हूँ और इनको हम करेंगे मिक्स, और इनको भी मैं एयर फ्राई में डाल दूँगी। बहुत अच्छे हुए हैं और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बस ये मैं लगा रही हूँ और इसको जो है मैं करूँगी 20 मिनट्स पे। ये देखें जनाब कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए, और जो आपका इसमें इतना इतना ऑयल जाता था उससे भी आपकी बचत हो गई। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, प्याज भी बड़ी अच्छी हुई है क्रिस्पी, और ये करेले जो है ये भी बहुत अच्छे क्रिस्पी हुए हैं। अब मैं इसमें जो मसाले वो मिलाऊंगी और वो आपको दिखाऊंगी। मैं ना अब मैं डालूंगी चाट मसाला, चाट मसाला पड़ा गया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, हसबे ज़रूरत आप नमक डालें जितना आप खाते हैं, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और मैं नींबू भी डालूंगी थोड़ा सा। और अब हम करेंगे इन्हें मिक्स। बड़े मज़ेदार किस्म के ये क्रिस्पी क्रिस्पी हुए हैं तैयार, वरना जब मैं ये बनाती थी तो इसमें ऑयल बहुत ही लगता था। मतलब प्याज भी फ्राई कर रहे हैं और करेले भी फ्राई हो रहे हैं, तो बहुत दोनों में मिलके ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता था। और अब ये इतने ज़बरदस्त हुए हैं